अगर आपको अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने सीधा बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है या भेजना है तो बहुत आसान तरीके से आप भेज सकते हैं। बस दो सिंपल से ट्रिक लगाने हैं जिसके बाद आपका सारा का सारा फोन पे का गिफ्ट कार्ड बैलेंस आपके बैंक अकाउंट के अंदर सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपको चार्ज लगेगा 1% का, यानी कि 1000 रूपये पर 10 रूपये आपकी जेब से जाएंगे। लेकिन इसका भी कोई मसला नहीं है। आपको बताता चलूं कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स ऐप के साथ आप बहुत अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग की है। कैसे की है इसका कमेंट सेक्शन में लिंक है, मैंने पूरी डिटेल में बताया है और यहाँ पर प्रूफ भी दिखाया है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन को चेकआउट करिएगा। तो अपना गिफ्ट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए चाहिए आपको एक क्यूआर कोड, जैसा कि पीछे एक दुकानदार का क्यूआर कोड है, या आप अपने आप घर बैठे भी एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं फोन पे बिजनेस ऐप से। आप डाउनलोड करके क्यूआर कोड जनरेट करके इसे स्कैनर के माध्यम से जब स्कैन करेंगे, अमाउंट डालने के बाद जब प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके क्यूआर यानी कि फोन पे के अंदर जो बैलेंस होगा वो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपसे 1% चार्ज लेगा, लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया तो आप अपने भुगतान का खुमियादा उस अर्निंग ट्रिक से कर सकते हैं।